वक्त खबरें सुपरफास्ट का है, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर दे दें ग्रेटर नोएडा से, जहां एक महिला से गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक महिला को हरियाणा के सोहना से अगवा किया गया। स्विफ्ट कार से आरोपियों ने अगवा कर उसके साथ गैंग रेप किया और फिर उसे ग्रेटर नोएडा में फेंक गए। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इस मामले में 0 FIR दर्ज की है और सोहना पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। फिलहाल पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है। गैंग रेप की इस घटना से एक बार फिर सन्न दिल्ली NCR। ग्रेटर नोएडा का इलाका जहां पर गैंग रेप का यह मामला दर्ज किया गया, 0 FIR अभी इस मामले में दर्ज हुई है। सोहना से पहले इस महिला को अगवा किया गया, फिर कार में इसे काफी देर तक घुमाया गया जहां पर इसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ लोगों ने जब इसे ग्रेटर नोएडा में सड़क पर पाया तो उसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके साथ ही 0 FIR भी ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने इस मामले में दर्ज की है। पुलिस और चश्मदीद इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। उसके बाद यहाँ पर डालने की बात प्रकाश में आई है। हम लोगों ने तत्काल उसको फर्स्ट एड देके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है और एक टीम हमारी घटनास्थल की तरफ, जो कि सोहना शायद गुड़गांव में पड़ता है, अकेले रवाना हो गई है। वहाँ की पुलिस से भी संपर्क करके साधा जा रहा है और बाकी जो इंटरोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी आपको उस हिसाब से बताएंगे। 4 बजे के करीब आई थी तो यहाँ पर उस समय महिला मौजूद थी या महिला को लेकर अस्पताल चले गए थे? लेकर चले गए थे हॉस्पिटल, काफी पुलिस थी। हाँ। इस पूरी घटना पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चिराग गोठी इस वक्त जुड़ गए हैं। चिराग, 3 कड़ियां यहाँ पर जुड़ती हैं, हरियाणा, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा। अब ऐसे में क्या पुलिस कह रही है इस पूरे मामले पर और अभी ताजा अपडेट क्या इस पर मिल रहा है? देखिए, महिला का कहना है कि सोमवार रात को उसको सोहना इलाके से जो है वो अगवा किया गया और सोहना इलाके में कार के अंदर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद सोहना से ग्रेटर नोएडा की तरफ जो है गाड़ी मुड़ गई और उसमें महिला ने जो बयान दिया उसका कहना है कि 3 लोग मौजूद थे। जहां मैं खड़ा हूं उसके बिल्कुल पीछे जो रोड जा रही है, दरअसल यही वो रोड है जहां पर महिला को फेंका गया। पुलिस का कहना है कि चूंकि ये जब कॉल हुई उसके बाद तुरंत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, यथार्थ हॉस्पिटल में जो महिला का मेडिकल कराया गया और महिला ने जो बयान दिया उसका कहना है कि उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद कई घंटों तक सोहना इलाके में घुमाते रहे। उसके बाद वहां से ग्रेटर नोएडा की तरफ आ गए। तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर का एक पूरा स्ट्रेच है और यहां पर लाकर उसको फेंक दिया गया। उसका अभी जिला अस्पताल में मेडिकल भी करा लिया गया और अब पुलिस जो है रवाना हो गई है सोहना की तरफ, जहां पर महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ जहां से उसको पिक किया गया था, यानी जहां से उसको किडनैप किया गया था, वो जगह पूरा एस्टेब्लिश पुलिस करेगी। इसके साथ साथ महिला ने कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी बताया आरोपियों का, जिसके आधार पर अब पुलिस जो है उनके स्केच भी तैयार कर रही है और गुड़गांव पुलिस को इस बाबत इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई, क्योंकि यहां पर 0 FIR दर्ज की गई और इसके बाद अब जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन यानी जो गुड़गांव का सोहना इलाका है वहां इन्फॉर्म कर दिया गया ताकि इस मामले में आगे कार्रवाई की जा सके। फिलहाल स्थिति यह है कि मूविंग कार में उसके साथ गैंगरेप हुआ, इस तरह के आरोप महिला लगा रही है। शुक्रिया चिराग आपका इस जानकारी के लिए। तो महिला के साथ ये बर्बरता हुई है, हालांकि अब पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए।